सिविल लाइन से महिला प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी आज हमारे साथ हैं, कृति राठौड़ जी। कृति राठौड़ जी, आप हमें बताएं कि महिला जो मोदी जी भी कह रहे हैं महिलाओं को आगे लाएं, आरक्षण मतलब कह रहे हैं 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा आने वाले समय में, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहती हूँ 33% आरक्षण तो बहुत अच्छी चीज है जो उन्होंने घोषित करी है, लेकिन महिलाओं के लिए न्याय और सुरक्षा वो सबसे ज्यादा सर्वोपरि है। आप देखिए, आज ही एक केस हुआ है हमारे यहाँ जयपुर शहर में, जहाँ 17 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप किया गया है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। आज ही की घटना है और बच्ची के परिवार वाले, माता पिता दर दर भटक रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं है। सब अपने चुनाव प्रचारों में लगे हुए हैं, आचार संहिता लगी हुई है, हम कुछ नहीं कर सकते। ये गलत है, ये गलत सोचना है, ये गलत धारणा है। मैं आज जो ये संदेश देना चाहती हूँ, इसलिए नहीं कि मैं आज चुनावों में निर्दलीय खड़ी हुई हूँ, मैं हमेशा महिला की सेवा और सुरक्षा के लिए तत्पर रही हूँ। हमेशा 5 साल से लगातार ना सिर्फ जयपुर, ना सिर्फ राजस्थान, बल्कि 28 राज्यों में देश के मैं महिला सेवा और सुरक्षा के लिए कार्य कर रही हूँ। और मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि महिला की सेवा और सुरक्षा के को सर्वोपरि रखा जाए, उन्हें मोबाइल ना बांटे जाए, उन्हें संसाधन जुटाए जाए। महिलाएं सक्षम है, महिलाएं अपने आप अपनी आजीविका कमा सकती हैं। आप उन्हें मोबाइल ना दें, आप उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित करें, आप उन्हें स्वरोजगार के साधन जुटाएं, ना कि मोबाइल पकड़ाएं। जैसे कि प्रियंका गांधी जी भी आए, उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को गारंटी 10,000 रुपए प्रति माह देंगे, तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं को 10,000 रुपए प्रति माह देना सही है या उनको सक्षम करना कि आगे वो अपने पैरों पे खड़ी हो, अपने परिवार का पालन पोषण कर पाए? जी, मैं यही कहती हूँ कि बेटी है लड़ सकती है का नारा देने की मुझे लगता है कि कोई जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स बेटी है लड़ सकती है, पर आप उनको पैसा देने की बजाय उनको उनके संसाधन जुटाएं, जिससे कि वो खुद स्वावलंबी बने और स्वरोजगार के लिए प्रेरित हों। आप उनको लुभावने उपहार, लुभावने लिफाफे देकर के उन्हें मत चमकाइए। आप सिर्फ उनको स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराइए। महिलाएं अपने आप सक्षम है, अपने आप आगे बढ़ेंगी, उनको स्वरोजगार के लिए प्रेरित करें। साथ ही साथ मैं ये कहती हूँ, क्या महिला की और बच्चियों की सुरक्षा सिर्फ उनके गली मोहल्लों तक रह गई है? सिर्फ गली मोहल्लों तक, गली मोहल्ले से आगे निकलने के बाद महिला की और बेटी की सुरक्षा नहीं है? ऐसा प्रदेश, ऐसा जयपुर शहर में हो रहा है, ये किस तरह का अराजकता फैल रही है? क्या कारण रहा कि ना आपने बीजेपी से टिकट ली, ना आपने कांग्रेस से टिकट ली, आपने निर्दलीय उम्मीदवार के लिए नामांकन किया, ऐसे क्या मतलब कारण रहे आप? मैं जाति पाति लिंग भेद इन सब से ऊपर अपनी राजनीति नहीं बोलूंगी, इन सब से ऊपर चल करके मैं सेवा करने के माध्यम और सेवा करने के लक्ष्य से आई हूँ। और पार्टियां जब आपको आपस में बांध देती हैं, आपको एक आप उसके अंदर एक तरह से बाउंड हो जाते हो, उन्हीं के अधीन रह करके आपको कार्य करने पड़ते हैं। इसलिए मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रही हूँ कि मैं अपनी भावना से और अपने अंतरात्मा से मैं लोगों की, महिलाओं की, बच्चियों की सुरक्षा और सेवा और न्याय के लिए, युवा के लिए आवाज उठा सकूं। मैं किसी के अधीन ना रहूं और ना मैं किसी की आवाज बनूं। मैं युवा जो जनता है उसकी आवाज बनूं, ना कि किसी पार्टी और ना किसी नेता की आवाज बनूं। ऐसा मैम, जैसे कि आपने निर्दलीय भरा, हमने माना कि आप चुनाव जीत गए सिविल लाइन से फॉर एग्जाम्पल, तो आप ये हमें बताएं कि आने वाले 5 साल बाद हम आपकी विधानसभा को क्या नया देख पाएंगे, आपकी विधानसभा में ऐसा क्या चेंजेस आएंगे? मैं सबसे पहले तो महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए एक ऐसे सुरक्षा सेल बनाऊंगी जहां पर उन्हें किसी भी न्याय के लिए वेट ना करना पड़े, ना पुलिस वालों के, ना कमिश्नरेट्स के चक्कर काटने पड़े। उनके सिर्फ एक कॉल से, उनके सिर्फ एक मैसेज से उन्हें सुरक्षा उनके घर तक पहुंचे, उनको न्याय उनके घर तक पहुंचे। और जो युवा पीढ़ी है, जो महिलाएं हैं, उनके लिए स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराऊंगी, कुछ ऐसे सेंटर्स लगाऊंगी जहां पे उन्हें प्रेरित किया जाए कि कैसे आप स्वरोजगार के लिए स्वावलंबी बन सकती हैं और कैसे आप अपने आजीविका कमा सकती हैं। आप फील्ड में क्या मतलब मुद्दे लेके जाएंगे जनता के बीच की, क्या मतलब इतने सालों में क्या सिविल लाइन में नहीं हुआ है जिनको आप आने के बाद करेंगे? देखिए, सिविल लाइन में आप सब जानते हैं
किसी को बोलने की जरूरत नहीं है कि सिविल लाइंस जैसे पढ़े लिखे एरिया में क्या चल रहा है। और इस तरह का भू माफिया बंद होना चाहिए। लोगों में जो डर और भय है नेताओं के प्रति, वो राजनीति वाले नेताओं के प्रति वो डर और भय मुक्ति वाला सिविल लाइंस होना चाहिए।